हेलो एट क्लास, कंटिन्यू करते हैं लेसन नंबर 11, बल तथा दाब। मैंने आपको बताया था बल पांच प्रकार का होता है, उनमें से दो संपर्क बल होते हैं और तीन असंपर्क बल। पिछले लेक्चर में हमने स्थिर वैद्युत बल के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो आपने कभी ये सोचा है कि हमारे हाथ से कोई भी चीज छूट जाती है तो वो पृथ्वी की तरफ ही क्यों गिरती है? जब हम नल खोलते हैं तो पानी हमेशा धरती की तरफ ही क्यों बहता है? नदियां पहाड़ों से नीचे की तरफ क्यों बहती हैं? इनका कारण है गुरुत्व बल। पृथ्वी के पास एक गुरुत्व बल है जिसके कारण वो सब वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है, लेकिन उसे गुरुत्व बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को या प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को या प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन गुरुत्व बल वह बल है जिससे पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। क्योंकि इस बल को लगने के लिए भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह भी असंपर्क बल का उदाहरण है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।